بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم please watch the whole video subscribe my channel for more and exciting videos السلام عليكم students welcome to my channel तो आज आपको मैं trick number 2 बताऊंगा और trick number 2 है कि how to multiply two numbers in just 3 seconds without calculators so let's begin our video Can you find out what is 12 multiplied by 13 in just 3 seconds? Your time starts now. Time's up, sorry. If your answer is 156, then you are calculating faster than the calculator. Calculator will take 2.79 seconds. Calculate karega because jab aap type karenge to time lagega. तो हाउ डिड आई डू दैट उसका बड़ा ही आसान सा ट्रिक है लेट्स गो टू द ट्रिक ये मल्टीप्लीकेशन ऐसे दो नंबर्स के दरमियान होगी जो 10 और 20 के दरमियान कोई भी नंबर्स दो आप लें ये ट्रिक उस पर अप्लाई होगा तो आपने कैसे मालूम इसके हमेशा 3 नंबर्स होंगे इसका आंसर हमेशा 3 नंबर में आएगा तो पहले दो डिजिट्स कैसे फाइंड करने हैं पहले टू डिजिट्स ले लें इसमें इसका यूनियन डिजिट प्लस कर दें तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया तो फर्स्ट टू डिजिट्स हमेशा इस तरह पॉइंट हो जाएंगे अब रह गई जी लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट आपने ऐसे करना है कि इसके यूनिट को इसके यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा कितने होते हैं 6 तो आंसर इज 156 है ना आसान से ट्रिक कुछ और नंबर ले लेते हैं जी चले आप कोशिश करें 13 into 13 13 plus 3 16 3 into 3 9 तो आंसर इज 169 अब थोड़े से कुछ मुश्किल वाले लेते हैं मुश्किल वाले जैसे 14 into 16 अब इसको जरा थोड़ा सा समझ 14 प्लस 6 कितना हो गया 20 और 4 इंटू 6 कितना होता है 24 4 ने यहां पे आना है ठीक है 24 ने लिखा है तो 2 इसमें कैरी आ जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 20 प्लस 2 कितना हो गया 22 तो क्या आंसर आ गया इसका 224 तो इस तरह आपको इस दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 10 और 20 के इन बिटवीन हो तो जस्ट आसान सा ट्रिक है एक और ले लेते हैं जी 17 into 18 17 प्लस 8 25 और 8 7 आर 56 तो क्या आंसर आ गया जी 306 तो ये है जी आपके पास आप कैलकुलेटर लेके देख लें दिस विल बी द राइट आंसर 306 तो ये एक आसान सा ट्रिक है जिससे आप जस्ट 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ठीक है एक बार फिर समझ लें 17 पहले दो डिजिट्स ले ले ये भी ले सकते हैं इसको इसमें प्लस कर दें सही में 17 प्लस 8 25 8 7 8 आर 56 सिर्फ यहां पे लग गया 5 प्लस 8 10 और 30 आ गया ठीक है 14 प्लस 6 20 6 इनटू 4 24 4 यहां लग गया 2 कैरी आ गया 222 224 इज द राइट आंसर ठीक है तो ये है ट्रिक नंबर 2 तो इसी तरह ट्रिक नंबर 3 था ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही रैपिड फॉर्मूला है चले कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज 98 into 97 कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज 98 into 97 इन जस्ट 3 सेकंड्स टाइम अप लेट मी डू इट Your answer is 9506. How did I do that? This is a very interesting and rapid formula. So let's go to the formula. अब ये देखें जी दो numbers ये numbers होंगे हमेशा 90 into 100 के दरमियान कोई से भी दो numbers को आप multiply कैसे कर सकते हैं? इसमें हम base 100 लेते हैं. 98 100 से कितना common? 2 माइनस 250
9700 से कितना कम है? 3 कम है। अब आपने 98 में से 3 माइनस, इसके हमेशा 4 डिजिट्स होंगे। 98 माइनस 3 95, और माइनस 2 माइनस 3 6, तो 2 डिजिट्स लास्ट में, तो क्या आंसर आ गया? 06। क्या आंसर होगा? 9506 जी। हेलो, चलिए एक और ले लेते हैं। 95 इंटू 96, लेट डू इट क्विकली। 6 95 माइनस 4 91, 5 4 जा 20, अच्छा आंसर। तो इसी तरह आप काफी सारे मल्टीप्लीकेशन, चले एक मुश्किल सा कर लेते हैं। 92 इंटू 93, ये 8 कम है, ये 7 कम है। 92 में से 7 निकाल दिए, 85, 8 7 जा 56, 8 5 5 6। सो दिस इज टुडेज वीडियो। तो आज मैंने आपको दो ट्रिक्स बताए, 10 से 20, 90 और 100। तो नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4 होगा, वो आपको बताऊंगा कि 20 से लेकर 90 तक के नंबर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।